हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा जी विद ख्वाहिश। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना सीखेंगे। कि ड्रेस बनाने के लिए हमने येलो कलर का यूज़ किया है, हमारे कान्हा जी का येलो कलर फेवरेट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने बुकरम को कट करके ले लिया है। बुकरम की लंबाई और चौड़ाई हमने 10 इंच रखी है। देखिए, बुकरम के पीछे हमने फेवी ग्लू की हेल्प से क्लॉथ को पेस्ट करके ले लिया है। देखिए, अब हम इसे सीधा करेंगे। ये देखिए थाली ली है, इसका डायामीटर देखिए 10 है। तो इसकी हेल्प से हमें इसे देखें यहाँ पे ऐसे रखना है और पेन की हेल्प से यहाँ पे गोल राउंड लगा लेना है। देखिए, हमने गोल राउंड लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमने कटिंग करके ले लिया है। कटिंग करने के बाद देखिए हमारा डायमीटर 10 आया है। अब हम इसे यहाँ से भी क्लॉथ की हेल्प से कवर कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से कवर करने के लिए हमने ये सेम फैब्रिक लिया है ऐसा ही, और देखिए इसे हमें यहाँ ऐसे रखना है। देखिए, इस फैब्रिक को हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करके लिया है। तो देखिए, इसे हमें यहाँ ऐसे रखते हुए देखिए ऐसे फोल्ड करते जाना है और यहाँ पे सिलाई देते जाना है। तो चलिए सिलाई दे देते हैं। हमने इसे यहाँ से भी कवर करके ले लिया है। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है, जहाँ पे हमारी अच्छे से फिनिशिंग आ रही है। देखिए, अब हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है और बीच में से हमें कमर की कटिंग कर लेनी है। हल्की से, ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है हमें। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। हमने कटिंग करके ले लिया है। अब हमें इसके यहाँ से भी एक साइड पे कटिंग कर देनी है। देखिए, हमने कटिंग करके ले लिया है। अब हमें यहाँ के लिए फ्रिल रेडी करनी है। ये मस्टर्ड कलर का ही नेट लिया है। इसकी लंबाई हमने 100 इंच रखी है। चौड़ाई हमने इसकी 4.5 इंच रखी है। देखिए, 4.5 इंच हमें इसके अकॉर्डिंग रखना है। ये देखिए, ये 4.25 है तो हम 4.5 ले लेंगे। देखिए, अब हमें इसके अंदर प्लेट्स डालनी है। हमें ऐसे करते जाना है और हमें पास पास में प्लेट्स डालते जाना है। तो चलिए प्लेट्स डाल लेते हैं। ये देखिए, हमने फ्रिल डाल के ले लिया है। अब हम बेस लेंगे। देखिए, ये साइड हमें बैक में रखनी है और ये हमारा फ्रंट है। देखिए, फ्रिल डाली है, उसे हमें यहाँ ऐसे रखना है और देखिए ऐसे घुमाते हुए हमें पूरे में यहाँ तक फ्रिल को लगा लेना है। तो चलिए फ्रिल को यहाँ पे लगा लेते हैं। और देखिए, यहाँ से ऐसे रखते हुए हमें एक एक सिलाई यहाँ से और यहाँ से दे देनी है। तो चलिए इतना काम कर लेते हैं। हमने फ्रिल को यहाँ पे अटैच करके ले लिया है। अब देखिए, हमें यहाँ पे ऐसे फ्रिल को एडजस्ट करते जाना है और यहाँ पे एक एक सिलाई हमें ऐसे देते जाना है। तो चलिए यहाँ पे सिलाई दे देते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे फ्रिल को एडजस्ट करके ले लिया है। अब देखिए, इनके दोनों साइड्स को लॉक करेंगे। दोनों साइड्स को लॉक करने के लिए देखिए हमने ये टिश्यू रिबन का यूज़ करेंगे। इसे हमें यहाँ पे ऐसे रखते हुए एक फोल्ड ऐसे देना है दोनों साइड्स पे। तो चलिए दोनों साइड्स को लॉक कर लेते हैं। दोनों साइड्स को लॉक करके ले लिया है। अब हम नेफा रेडी करेंगे। देखिए, नेफा रेडी करने के लिए भी हम टिश्यू रिबन का यूज़ करेंगे। देखिए, इसे हमें यहाँ ऐसे रखना है और पूरे में गोल राउंड में ऐसे करते हुए हमें पूरे में लगा लेना है। तो चलिए पूरे गोल राउंड में लगा लेते हैं। हमने नेफा रेडी करके ले लिया है टिश्यू रिबन की हेल्प से। तो चलिए अब हम ड्रेस को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए हम फ्लावर्स का यूज़ करेंगे। ऐसा हम फ्लावर बनाएंगे कि हमने फैब्रिक से बनाया है। देखिए, फ्लावर बनाने के लिए हमें ऐसे 6 पीसेस चाहिएंगे गोल राउंड में। देखिए, हमने 6 पीसेस को कटिंग करके ले लिया है। करने के लिए हमने इस ढक्कन का यूज़ किया है। देखिए, इसका डायामीटर 3.25 इंच है। तो आप भी ऐसे किसी ढक्कन की हेल्प से ऐसे 6 पीसेस को कटिंग करके ले सकते हैं। देखिए, अब हमें ऐसे एक पीस लेना है, ऐसे फोल्ड देना है और देखिए ऐसे फोल्ड देना है। वन साइड है, उसे हमें ऊपर रखना है। सुई धागा लेंगे। देखिए, सुई धागा लिया है हमने।
देखिए यहाँ पे ऐसे करते हुए हमने सिल लेना है, बिल्कुल ऐसे ही हमने सारे पीसेस को करते जाना है और एक के साथ एक को अटैच करते जाना है। सिक्स पीसेस को सुई धागे की हेल्प से अटैच करके ले लिया है। अब देखिए हमें इसे यहाँ पे ऐसे अटैच कर लेना है। तो चलिए देखिए यहाँ से इनको जॉइन कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे हमारी फ्लावर्स की शेप आ जाएगी। यहाँ पे हमें एक नोट लगा देना है अच्छे से टाइट करते हुए।